चार पाँच दिन हो गए भैया मोमोज नहीं खाए थे, तो ऐसा लग रहा हम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। दिल्ली में रहते हो अगर आप एक दो दिन के अंदर मोमोज ना खाओ ना तो ऐसे जान सी चली जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टकाटक इज स्टिल गोइंग ऑन, अभी चलेगा भैया, थोड़ा लंबा काम है, तब तक एडजस्ट कीजिए। मैं भी तो अपना पेट एडजस्ट कर रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप भी कीजिए। अभी भैया काम के लिए स्कूटी निकाली, फिर पंचर हो गई, जिंदगी पंचर हो गई है स्कूटी के चक्कर में, आफत हो गई है। तो एक है दो है, जब तक पंचर लग रहा भैया हम भटूरे खाते हैं। बब्बू भटूरे इज द बेस्ट। ओह बब्बू भटूरे आज है ही नहीं। अच्छा अच्छा, वो एमसीडी वाले आया। अच्छा आज पूरे एरिया में ना हमारे एमसीडी वाले कमेटी वाले आ रखे, सारे रोड साफ पड़े हैं। आज साउथ दिल्ली लग रहा है हमारा एरिया। खाओ, ये राजकोट से आइए डायरेक्ट, केसर फ्रॉम राजकोट, प्योर केसर। हाँ भैया आपको बताना भूल गया, प्योर केसर केरी आई है राजकोट से। केरी मींस आम। तो या किसी को चाहिए केरी की बेटी तो सीधा सीधा बता देना, मेरे पास 900 की आई है, मैं 1000 की दूंगा, 10 किलो की केरी है। ओनली बिजनेस, नो अदर टॉक्स। सो गाइस, लंच डन, केसर केरी का रस पिया हमने। मुझे ऐसा लगता था सफ़ेदा केरी में नशा होता है, गेंद चढ़ती है, ऐसे नींद आने लगती है। केसर केरी उससे भी ज़्यादा खतरनाक, वो सबका बाप है भाई साहब। पीते ही नींद आ गई, 15 मिनट बाद मुझे पता चला कि मैं सो गया था। कूलर भी बढ़िया हवा दे रहा है आज, मौसम ठंडा है, धूप आ रही है लेकिन मौसम ठंडा हो रहा है आज। और गुजरात ट्रिप की अर्जी दे दी गई है, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सब कुछ एक ही हमारे घर में, डैडी ओपी। तो देखेंगे, उनका निर्णय आने में भी थोड़ा समय है, ये तो रात तक आ जाएगा या कल सुबह तक आ जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली एक दो दिन में हम मतलब टिकट बुक करवा के प्लानिंग करने लग जाएंगे। जाएंगे ज़रूर, कुछ भी हो जाए, आप ठान लिए भैया, ठीक है। इट्स लाइक कि वचन दे दिया, एंड अब प्राण जाए जान जाए पर वचन ना जाए। मैंने 365 डेज का वचन दिया था जब मेरे 50 डेज 50 व्लॉग हुए थे। आज हमारे हो गए 50 डेज कंप्लीट। कौशिक अंकल पहले तो आशीर्वाद जल्दी। हमारे ये हमारे समाज के प्रेसिडेंट है श्री दिल्ली गुजराती समाज के, इनका बड़ा भाई हूँ और यही रहना चाहूंगा जी। समाज के प्रेसिडेंट आते आते रहे, बड़ा भाई जरूर रहना चाहूंगा। और 50 डेज के बढ़ा रहे, 100 डेज, 1000 डेज पे जाए। 365 डेज का आज मैं क्लियर कर देता हूँ, 365 डेज चैलेंज है पक्का। और ऑल द बेस्ट, बेशक हम कंप्लीट करेंगे, ऑल द बेस्ट। और फिर दिल्ली गुजराती समाज में जलेबी फाफड़ा खाने आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू 365 डेज, 365 ब्लॉग्स। और अब ये वचन दे रहा हूँ कि ये वाली सीरीज हम 365 डेज से पहले बना के रहेंगे। माइक ड्रॉप। और कल जो मैंने शूट किया था तो अभी उसकी वीडियो एडिट करनी है। बहुत लोगों को पता होगा मैंने कुछ टाइम पहले मैटरनिटी फोटोशूट किया था, उन्हीं का बेबी हुआ था, तो वो अपने नाना नानी के घर आया था, तो वेलकम फोटोशूट और सब कुछ। या नया जमाना है, हर चीज़ का फोटोशूट होता है। मेमोरीज याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ भी करते हैं ज़िंदगी में, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं, फ़ोटोज़ खींचे, वीडियोज़ बनाए, बिकॉज सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ मेमोरीज बचेगी आपके पास। इसलिए मेरे पास तो दबा के मेमोरीज है, 300 GB की मेमोरीज है मेरे पास ब्लॉग डेटा, 300 GB। अरे अंकल आज तो पूरा भरिया है, ढक्कन कैसे बंद होगा। चार पाँच दिन हो गए भैया मोमोज नहीं खाए थे, तो ऐसा लग रहा हम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। दिल्ली में रहते हो अगर आप एक दो दिन के अंदर मोमोज ना खाओ ना तो ऐसे जान सी चली जाती है। तो आज आए हम फोमो मोमो पंजाबी बाग सेंट्रल मार्केट, और हमने मंगाया प्लेटर, द पनीर मोमोज प्लेटर। उन्होंने पहले ही प्लेट उठा ली, उस भाई को करने तो दे सर, भाई ने कहा है। ये है गार्लिक बटर क्रीम, ये है तंदूरी, ये है अफगानी, और ये है पेरी पेरी बटर लेमन। अरे तो चटनी या तो काम की है नहीं हमारे। एक तो ये मोमोज हाथ में ही नहीं आते, पनीर वाले और ये सारे। सो व्हाट इज़ अप ब्रदर्स एंड सिस्टर, आज का दिन, आज का ब्लॉग समाप्ति की और बढ़ता हुआ। और ट्रिप पे जाने से पहले हल्की सी बियर्ड सेट करवा लिए, अब तो शायद गुजरात जाके ही सेट होगी, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। अभी होम मिनिस्टर वाली अर्जी बीच में ही अटकी हुई है, ना उधर जा रही ना इधर आ रही है। बाकी हेड मसाज भी करवा ली थोड़ा सा,
इस वीक की सारी टेंशन दूर हो गई है। नए वीक में एंटर करेंगे तो थोड़ा खुले दिमाग के साथ और खुले वातावरण में गुजरात में ही एंटर करेंगे। टिकट नहीं हुई है मेरी अभी तक, फाइनल भी नहीं हुआ है, बट स्टिल मुझे ऐसा अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि फाइनल हो जाएगा। ठीक है, नहीं भी होगा तो भी मैं मतलब झोला उठाएंगे और चले जाएंगे इस बार हम गुजरात। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ठीक है, गुजरात वालों मुझे बुला लेना घर पे यार, कहीं मैं अकेला घूमता रहूं इधर उधर। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में विद तरबूज। टाटा, बाय बाय, आउट ऑफ।